हेलो गाइस, दिस इज हर्षित और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आ चुका हूँ एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ। सबसे पहले मैं आपको अपनी जो लास्ट राइड मैंने करी थी उसका एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं अपनी जो लास्ट राइड नैनीताल के लिए गया था, मैंने जो नैनीताल की राइड की थी, तो जब मैं किलवीरी के जंगल से होते हुए एक गाँव की तरफ पहुँच गया और वहाँ का व्यू आपको दिखाया, उसके बाद जब मैं मतलब व्लॉग सारा ख़त्म हो चुका था, फिर अपने घर को वापसी कर रहा था, तो इतनी तेज़ बारिश हो गई रास्ते में कि मैं पूरा भीग गया था। तो मुझे लगा कि यार अब मुझे शायद फ़ीवर आ जाएगा। तो फीवर के नाम से मतलब एक डर सा होता ना आजकल कि भाई फ़ीवर है तो कहीं क्या जो हो रहा होगा, मतलब जैसे मतलब हम मुझे तो पता था कि अगर मुझे फ़ीवर आएगा भी तो एक नॉर्मल मतलब मैं भीगा हूँ उसकी वजह से होगा, लेकिन अगर मुझे फ़ीवर आता है तो जो आस पड़ोस वाले हैं ना वो एकदम मतलब डर से जाते हैं कि भाई फ़ीवर हो रहा है कहीं, मतलब कोविड जैसा फील हो जाता है ना लोगों को। तो इस चीज़ का डर था कि कहीं लोग ऐसे ऐसा ना कर दे, पर थैंक गॉड मुझे कोई फ़ीवर नहीं हुआ। मतलब इतना भीगने के बाद भी मैं एकदम ठीक था ऊपर वाले की कृपा से। तो बस ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मैं भीग गया और फिर एक डर सा रहा मुझे। मुझे डर नहीं था, मुझे डर पड़ोसियों का था कि भाई पड़ोसी एकदम से कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मुझे फ़ीवर आ गया, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है। तो अब बात करते हैं आज के व्लॉग के बारे में। सो गाइस, आप सब ने कोई मिल गया मूवी तो ज़रूर देखी होगी, देखी ज़रूर होगी, मैंने भी देखी और कई बार देखी है। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं कोई मिल गया के सेट लोकेशन पे, मतलब जहां उस मूवी की शूटिंग हुई थी उस लोकेशन पे हम जा रहे हैं। वैसे तो उत्तराखंड के और भी इलाकों में उस मूवी की शूटिंग हुई थी, पर एक जगह है भीमताल में जहां पे उनके जो घर का सीन है वो दिखाया गया था, तो वहां हम जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है अंदर से। तो इसलिए हम रोड पे आ चुके हैं और बाइक भी यहाँ पे खड़ी है, तो हम अभी बाइक पे बैठते हैं और अपनी राइड शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, और जो लास्ट राइड थी नैनीताल की जिसमें मैंने आपको अभी एक छोटा सा किस्सा बताया, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, तो वो वहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लोग को मज़ा आ रहा है उस वीडियो में। तो आप भी देखिए और आप भी शेयर करिए और इस वीडियो को भी देखिएगा और इसको भी शेयर करिएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना ये व्लॉग। चलो भाई अब बैठते हैं बाइक में और करते हैं अपनी ये राइड शुरू। तो गाइस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये व्लॉग आपको पसंद आए। और वैसे मैं जिस बाइक में बैठा हूँ, इस बाइक का नाम FZ 2.0 वर्ज़न है और ये मैंने लगभग 4 या 5 साल पहले लिया था और मुझे आज भी वही कंफर्ट फील होता है जैसा मुझे 5 साल पहले हुआ करता था, और काफ़ी अच्छा मॉडल लगता है मुझे बाइक का। और वैसे तो कई सारे मॉडल आ चुके हैं FZ के, बट ये मुझे मॉडल आज भी उतना ही प्यारा लगता है। तो आप कमेंट पर बताना मुझे आपको ये मॉडल कैसा लगा और इस बाइक का क्या नाम रखना चाहेंगे आप। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं भीमताल और यहां से शुरू हो जाती है भीमताल की मार्केट, मतलब मेन मार्केट थोड़ा सा आगे है। और वैसे ना राइट हैंड साइड में ना मेरा स्कूल भी पड़ता है, मतलब मैं बचपन में यहीं पढ़ने आया करता था स्कूल टाइम में। और यहां पे राइट हैंड साइड में एक ग्राउंड है जिसे हम रामलीला ग्राउंड कहते हैं, तो हर साल वहाँ रामलीला होती है और काफ़ी मज़ा आता है। वैसे कई साल से जो राम लक्ष्मण का किरदार है वो हमारे बड़े भैया निभाते आ रहे हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है सीधे यहाँ से हम जाएंगे, ये जो पिकअप मोड़ रहा है ना यहाँ से जाते हैं हम हल्द्वानी की साइड को, पर हम सीधे जाएंगे जो भीमताल की एंड पे पड़ेगा और वहीं से हम लेंगे टर्न और जहाँ से हम जाएंगे अपनी लोकेशन पे। तो ये ऊपर की तरफ हम पहुँच गए और यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है और एकदम गाँव जैसा फील आ रहा है वैसे यहाँ पर ना, जिस तरीके का व्यू दिख रहा है। आराम आराम से चलना पड़ेगा यहाँ पर, और लगभग थोड़ी सी दूर और है, 1-2 मिनट का रास्ता और हम पहुंच जाएंगे लोकेशन पे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और यही वो लोकेशन है जहां पे मूवी की शूटिंग हुई थी। अभी मैं आपको सबसे पहले पीछे का व्यू दिखाता हूं, ये देखिए बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, एकदम दिल छू गया ये व्यू, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ से। एकदम पूरी लेक जो है भीमताल की एकदम साफ दिख रही है और मतलब ऑसम फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पीछे ये देखिए, ये है पीछे वो घर जहाँ पे घर का जो सीन हुआ था, मतलब जो शूट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। तो अभी मुझे क्या है, यहाँ पे ओनर जो है वो यहीं पे हैं, तो मुझे इनसे एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो मुझे अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। थोड़ा सा अंदर का व्यू भी आपको दिखाऊंगा और वहाँ से तो बहुत अच्छा लगने वाला मुझे ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि थोड़ा टॉप में है ये घर। तो अभी इनसे बात करता हूँ और फिर देखता हूँ, अगर मुझे अलाउ करते हैं तो फिर मेरी अच्छी किस्मत, नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, वरना यहीं से इन्जॉय करेंगे। और
ये देखिए पहले व्यू क्या धांसू है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सामने से और व्यू दिखाता हूँ अच्छी से। तो गाइज ये देखिए सामने से व्यू एकदम वाह यार, बहुत मस्त लग रहा है। और घर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं एकदम ना, लेक के जो साइड में घर हैं ये बहुत ज़्यादा ऑसम फीलिंग दे रहे हैं। और ये पूरी लेक दिख रही है और बहुत हरा भरा है माहौल पूरा, मतलब ग्रीनरी है पूरे चारों तरफ। सही जगह, एकदम सही जगह चुनी है जिसने भी ये लोकेशन डिसाइड करी थी। एकदम मतलब ऑसम व्यू भी दिख रहा है यहाँ से, और बहुत अच्छी जगह चुनी जिसने भी ये जगह लोकेशन डिसाइड करी थी मूवी में। इस परमिशन हमने मांगी लेकिन परमिशन हमें नहीं मिली, तो सो सैड आई नो, पर कोई बात नहीं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, माहौल ऐसा है कि अभी लोग कोई किसी को अपने घर पे इस तरीके से आने नहीं दे रहे। वैसे जो यहाँ के मालिक थे वो मैं जैसे गया उससे 5 मिनट पहले ही कहीं को निकल गए, लेकिन जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अभी अलाउड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मालिक नहीं है और इस वजह से हम आपको अलाउड नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा जल्दी आते तो शायद वो आपको कुछ अलाउ करते या फिर नहीं करते, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि माहौल ही ऐसी चल रहा है, तो भाई थोड़ी सेफ्टी रखनी ज़रूरी है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, आज हमने अंदर से नहीं देखा, बट जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम अंदर से आके भी देख लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ तक तो आए हैं तो थोड़ा नीचे जाते हैं, भीमताल का एरिया जो आपको दिखाते हैं वहाँ का किस तरीके का माहौल है, तो वहीं हम जाते हैं और थोड़ा वहाँ बैठेंगे और थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे उधर। ठीक है गाइस, वैसे गाइज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मतलब शायद ये चीज़ आपकी भी लाइफ में काम आए कभी ना कभी। मतलब जैसे मैं ऊपर तक गया और उस लोकेशन तक गया बट मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शायद उसी में मेरी भलाई थी। तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। हम पहुंच गए हैं भीमताल एकदम नीचे मार्केट की तरफ, और पीछे देखिए वो है टापू, तो वहाँ पे भी हम जा सकते हैं पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बंद है। और ऐसा है नज़ारा नीचे से, अभी हम थोड़ा सा और आगे को चलते हैं और थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाते हैं, एकदम लेक के किनारे तक जाते हैं। ये देखिए थोड़ा डेंजरस लग रहा है, आराम से जाना पड़ेगा इसको पकड़ के। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हम ऊपर थे, ऊपर से एकदम लेक नीचे हमको टॉप से दिख रही थी, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं इसके एकदम करीब। तो भाई कोई स्टोरी हो जाए बढ़िया सी। स्टोरी कैसी? कुछ भी, कुछ ऐसी थ्रिलर स्टोरी बस जो कभी इस बीच हुई है रिसेंटली। रिसेंटली मैं वैसे जब कुछ दिन पहले मैं कयाकी करने के लिए गया था, तो मुझे जो पानी है, मैं 7 साल गया था, तो मुझे वहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लगा, मतलब एकदम टॉप पे लगा, तो मुझे जिससे काफ़ी वो लगा रिस्की कि भाई अभी मुझे नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने वो नहीं करी। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी जो पानी है वो एकदम टॉप पे आ चुका है, मतलब एकदम बरसात की वजह से पानी जो है वो काफ़ी भर गया है, और वैसे थोड़ा बहुत गंदा भी कर दिया लोगों ने, तो इसीलिए काफ़ी रिस्की होता है इस टाइम पे कयाकी या बोटिंग करना, इसलिए मैंने नहीं करी। तो अच्छा वह नहीं करी, मुझे काफ़ी रिस्की लग रहा था, अंदर से एक फीलिंग आ रही थी ना, एकदम गट फीलिंग आ रही थी कि भाई कुछ हो ना जाए मुझे, इसीलिए अपना ध्यान रखिए। मानसून के टाइम पे काफ़ी चीज़ें सतर्क तरीके से करनी पड़ती है, जो भी राइडर होते हैं या फिर जो घूमने जाते हैं उनको सोच समझ के चीज़ें करनी है। ठीक है, तो थोड़ा इन्जॉय करते हैं, उसके बाद फिर अब हम चलेंगे घर को। हम यहाँ से वापसी करते हुए, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है वहाँ पर भी, पीछे भी, साइड। सो गाइज अब व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो व्लॉग लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तब भी लाइक कर देना यार, क्या जा रहा है। ठीक है, इस लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे और नई चीज़ें रिवील करेंगे। ठीक है गाइस, तो टेक केयर, जय हिंद।